आईसी का टच पॉइंट कौन कौन से कहाँ कहाँ जाते हैं, सारे कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो पूरा मुझे जानकारी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ एशिया टेलीकॉम का कि मैं बहुत लेट हो गया आने में, मुझे बहुत पहले आ जाना था। चलिए, डिगोरल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, बहुत वेरी। क्या बोलेंगे देव सर के लिए जिन्होंने आज आपको ये उनका तो जवाब ही नहीं है। उन जैसी जानकारी अगर हमें 10% और 20% भी अगर यहाँ से लेके चले जाएं तो हमारे मुकाबले में हमारे यहाँ कोई बंदा होगा ही नहीं रिपेयर करने वाला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। हमने बोला था कि हम आपको आईसी पैड वाइज पढ़ाएंगे, इनको हमने बोला था कि हम आपको रिंगर आईसी निकाल के अंदर टाटा सी बनवाएंगे और यहाँ बोर्ड में प्रैक्टिकल करवाएंगे और जो आपके बोर्ड है उसको डायग्नोज करेंगे और जो बन सकते हैं उसको बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार स्टूडेंट से हम राय लेते हैं कि हमने कैसा है, क्या पढ़ाया। मुझे बताइए आप सभी लोग कि आज ऑडियो का सेक्शन किस किस को समझ में आया? बड़ी पक्का, ये देखो ये आईसीओ का हमने डाटा शीट बनाया, यहाँ पे दिखाइए ये जो पूरा बोर्ड भरा हुआ है ये किस किस को समझ में आ रहा है बताइए। मैंने आपको आईसी पढ़ना सिखाया या सिर्फ एक आईसी बताइए बताओ? तो मैंने आपको कोडिंग बताई, आपको क्या बताइए? और हमने एक फोन डायग्नोस में बनाया भी है और ये इनका फोन बनाया है ना, अच्छा तुम्हारा फोन बनाया है। क्या फोन का रिव्यू का एक बार फिर से दे दो। नोकिया का क्या सेट था और क्या मोबाइल था और हमने क्या किया ये भी बताओ। नोकिया 6.1 प्लस का मॉडल था, उसमें ईयर स्पीकर की प्रॉब्लम थी और वो सेट मोबाइल कई शॉप से आया हुआ था घूम फिर के, तो उसको हम आज एशिया टेलीकॉम में उसको पूरा डायग्नोस करके और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके उसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और सेट था जो रेडमी नोट 9 प्रो था, रेडमी नोट 9 प्रो जिसमें हमने देखा फॉल्ट फाइंडिंग कि उस सेट में रिंगर नहीं बजा था, वो तुम्हारा सेट था ना यहाँ पर। तो अब उस सेट में बताइए क्या फॉल्ट है, क्या करने क्या करोगे, क्या सोल्यूशन उस सेट का? आईसी चेंज करना है, आईसी चेंज करना है, उसका बूस्ट कॉइल का जो एक पैड ओपन है और वो पैड का नाम भी बताओ, पैड का नाम बताओ, कोई बात नहीं देख कर बताओ, डाटा तुम्हारे पास है देख कर बताओ वो कौन सा पैड है, कोई दूसरा बताओ अगर आप बता सको। नहीं, पैड का कोडिंग बता दो, कोडिंग जो बी बैक था स्विचिंग था, कौन सा बैठा? तो आपने देखा कि आईसी चेंज करने से खाली कुछ नहीं हो सकता है, वो लाइन बाहर और अंदर दोनों जगह क्या होनी चाहिए, कनेक्ट। हाँ, सेकंड में देख सकते हैं कि 4 सेकंड में हो रहा है या 2 सेकंड में हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे को कोई फर्क नहीं 4 में हो 2, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर, हमको केवल पल्स देखना है। क्या देखना है बताओ? पल्स। दीपक सर चेक करो, अब देखो फ्रीक्वेंसी पहले इसकी चेक करेंगे, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, पहले से टेस्ट करेंगे, यहाँ पर मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनती है, बट तो इसे यहाँ लगा दूँगा और इसे यहाँ पर टच करूँगा, ये देखो ये टच करेगा, ये देखो सब देखिए यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर इस तरह के वेव्स बन गए, तो ये होगा एक्टिव पल्स, ये होगा एक्टिव पल्स। अब ये एक्टिव पल्स को यहाँ पे दो एक बटन दिए हैं, इस एक से वोल्टेज कम लगा दूँगा, ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे, क्योंकि वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉल अटेंड कर रहे हैं। अब हमें अगर डेड पल्स मिले तो इसका मतलब है सिर्फ वोल्टेज और जीआर आ रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, हमको एक्टिव पल्स मिलने चाहिए। सब लोग देखिए यहाँ पर हमें ये पल्स डेड पल्स होना चाहिए, ये एक्टिव पल्स होना चाहिए, ये एक्टिव पल्स होना चाहिए, ये पल्स है, ये वाली पल्स हटाओ, ये डेड पल्स लगाओ, ये एक्टिव पल्स हटाओ। बाहर क्या चेक किया मैंने, बाहर क्या चेक किया बताओ? कैपेसिटर चेक किया यहाँ पर, कितने वोल्ट आ रहे बताओ? यही चीज अब नहीं तो फिर मैं कहां चेक करता बताओ? वीडीडी अंदर, अंदर कहां चेक करता बताओ? अंदर पैड पर, अंदर कहां पर बताओ? पैड पर, पैड कौन सा पैड? A2। देखो जो जो चेक करना है वो मैं यहां बताता जाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल है। अब्दुल जी कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं, तो आज आपका किस चीज़ का सेक्शन था? आज ऑडियो का सेक्शन था। ऑडियो का सेक्शन था, तो अभी जो जो आपके हाथ में फोन है इसमें आप क्या करने वाले हैं? मैं इसमें रिंगर आईसी लगाऊंगा, निकालूंगा, निकाल के आप ऑडियो निकाल के ऑडियो आईसी दोबारा लगाऊंगा, दोबारा लगाएंगे और इसको ट्रेस करने वाले हैं जी कि आउटपुट की लाइन का कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, इनपुट की लाइन का कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। बिल्कुल, करके बताएंगे आप? करके बताऊंगा, डायग्राम भी बनाने वाले हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है बनाइए। देखो पहले रिंगर बजा के दिखा देता हूँ, देख लीजिए एक बार कि रिंगर बज रहा है। तो आप आईसी निकाल के दोबारा से रिंगर बजाने वाले हैं? जी जी। मैंने
तो यहाँ पे आपने इसको आईसी को रिवॉल्व भी कर लिया है और आपने सरफेस भी क्लीन कर लिया, तो अभी आप इसको ट्रेस किया आपने, सबसे पहले हमको बताइए। ट्रेस कर लिया, पूरा सर्किट बना लिया, डायग्राम बना लिया, ये मेरी किताब रखी, कॉपी में दिखाइए जरा, कॉपी में एक पेन कौन ने निकाल दिया यार, अभी तो लग रहा था। ये पूरा सर्किट बनाया है, डायग्राम बनाया है पूरा, कहाँ से आता है कहाँ जाता है, जी खुद से बनाया है, बिल्कुल प्रॉपर समझा हुआ है, कलर में लगा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक बार आईसी लगा के फोन को रिंगर बजा के चालू करके दिखा दीजिए, फिर बताइए। ठीक है सर, ये हटा दूँ? हटा दीजिए। ये देख सकते हैं आप, चालू हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोन इनका बिल्कुल चालू हो गया है, और ये अभी रिंगर बजा के चेक कराएंगे आपको कि रिंगर बज रहा है नहीं बज रहा है। और इन्होंने टोटल ए टू वाल इन्होंने ट्रेस किया है, और यहाँ पे आप साउंड सुन पा रहे होंगे आप, बिल्कुल साउंड बज रहा है। एक बार स्पीकर से फोन बजा के दिखा दीजिए। देखिए सर, ये बज रहा है पूरा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आज तक कभी इतनी सी छोटी रिंगर आईसी कभी लगाई नहीं थी, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने अपने हाथ से रिवॉल्व किया, सर्किट बनाया और रिवॉल्व करके फिर दोबारा लगाई। देखिए कादी जी, रिवॉल्व करना निकालना लगाना कोई भी बता सकता है देखा जाए तो, लेकिन जो आपने कॉपी में सर्किट बनाया, एक बार सर्किट को एक बार और हाईलाइट करेंगे हम, दिखाएंगे आपको पूरा मैंने सर्किट बनाया। ये आपने ही बनाया है जी सर? और ये कहाँ से आउटपुट हो रहा है, कहाँ से इनपुट हो रहा है, ये सब सारी चीजें आपने डायग्नोस किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, सीरीज में है, सीरीज में, पैरेलल में, कौन कौन सा क्या क्या काम करता है, आईसी का डैश पॉइंट कौन कौन से कहाँ कहाँ जाते हैं, सारे कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो पूरा मुझे जानकारी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ एशिया टेलीकॉम का कि मैं बहुत लेट हो गया आने में, मुझे बहुत पहले आ जाना था। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलेंगे देव सर के लिए जिन्होंने आज आपको ये, उनका तो जवाब ही नहीं है, उन जैसी जानकारी अगर हमें 10% और 20% भी अगर यहाँ से लेके चले जाएँ तो हमारे मुकाबले में हमारे यहाँ कोई बंदा होगा ही नहीं रिपेयर करने वाला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। कहाँ से हो आप? यूपी। यूपी से आए हो? विशाल ये बताओ मेरे को कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थे उसमें आईसी के भी थी। हाँ? आईसी पहले ही से जल गया था। अच्छा। कोई काम भी किया था। अच्छा। उसके बाद देव सर से दिए तो पूरा उसको ट्रेसिंग किए। ठीक है। ट्रेसिंग करके फाल पूरा बताया उसका। हाँ। फाल्ट बताने के बाद उसका एक सप्लाई ब्रेक था। एक सप्लाई ब्रेक था। वो फाइंड आउट करा आपने? वो फाइंड आउट प्रेस करा एकदम। वो सप्लाई को ब्रेक को आपने सही करा? जी। बना कि नहीं बना? बनेगा। चलिए ठीक है, मैं भी बना लूंगा। आप ठीक है, अभी कोई समस्या है? बात करें स्मार्ट पीए की, बात करें जो 15 बॉल 9 बॉल 14 बॉल और 16 बॉल की आईसी में, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, सब कोई सी प्रॉब्लम नहीं, कोई। चलिए ठीक। आज सुबह 11 बजे से ऑडियो क्लास का, ऑडियो क्लास था हमारा। ठीक है, सेक्शन का
देव सर के साथ में 5 घंटा 6 घंटा हम लोग का क्लास हुआ, उसके बाद में आया इधर में 6 घंटा प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा। 5 घंटा जितना भी डिफॉल्ट था वो पूरा डिक्लेयर हो गया, अभी पूरा क्लियर है, पूरा एक एक डाउट क्लियर है। आपने पीसीबी पर ट्रेस करा, पैड लाइन बनी उसकी आईसी उठा के। जी चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ सर, आज ऑडियो ऑडियो सेक्शन का क्लास था, रिसीवर सप्लाई उसका जीआर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इनके बारे में बताया गया। उसके बाद में स्पीकर आईसी, रिंगर आईसी, 9 वोल्ट का आईसी, 14 वोल्ट का आईसी, 16 वोल्ट का आईसी, आईसी पैड बनाना, आईसी का डाटा शीट बनाना, ये पूरा आज सीख लिया। उसके बाद में स्मार्ट पीए रिंगर सर्किट उसका भी आज सीख लिया, वो भी सेक्शन आज कंप्लीट हो गया हमारा। तो किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई लाइन ऐसा जिसका आइडिया नहीं हो तुमको, ऐसी कोई चीज बची है क्या? और आपने आईसी उठा के पैड लाइन बनाई कि नहीं बनी? पैड लाइन भी बनाई, आईसी उठा के बनाई पैड लाइन। यस सर। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? नो सर। ऐसा कोई सा मोबाइल जो आपके आइडिया संबंधित आपके बैग में रखा हो और यहाँ पे बनानी हो वो? नो सर, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे सर के लिए आप क्लास के लिए? बहुत अच्छा क्लास हो गया। किस लेवल से क्लास दी सर ने आपको? बहुत अच्छा। मैं बात करूं सर की तो सर ने आज बहुत अच्छा क्लास दिया। कितनी बार रिवीजन कराया, कितनी बार एक्सप्लेन करा? एक कम मिनट कम 10 से 12 बार सिखाया और रिवीजन भी किया सर। तो उसमें जो भी फॉल्ट आते हैं जैसे रिसीवर का माइक में, मतलब वो रिसीवर में रिंगर का जो भी था उससे रिलेटेड जो सारे सामने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिला जो देव सर ने हमें थ्योरी के माध्यम से बताया, विद प्रैक्टिकल भी बताया, जो एक एक जो भी हमारा डाउट थे सब क्लियर किए, और कम से कम जितना हमने सोचा उससे भी कहीं ज़्यादा गुना उन्होंने हमें बताया कि भाई ये यहाँ से वो फॉल्ट, ये अपन को जो भी ट्रेस करना आईसी तक पावर आईसी जो भी है उन्होंने सब पूरा हमारा क्लियर करवाया। उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिकल खुद अपने हाथों से किया, जो हमने बैठ के यहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटा के समथिंग किया। अच्छा। तो इसमें हमने खुद बनाया मोबाइल, मतलब वो ऑडियो सेक्शन को, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बना के खुद, मतलब ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया था और ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी बोल्ड होते हैं और ऐसे मिलते हैं। हाँ सर, क्लियर हुआ सर। और उसके बाद सर जब हम लोग प्रैक्टिकल के लिए आए तो मेरे को थोड़ा सा ये समझ नहीं रहा। तो आपको आप किसी प्रकार की समस्या है, आपने आईसी उठा के पैड लाइन बनाई कि नहीं बनाई? हाँ सर, पैड लाइन बनाई आपने। आप स्मार्ट पीए हो या नॉर्मल आईसी हो, आप दोनों बना सकते हैं? हाँ दोनों सर, नॉर्मल पीए बना सकते हैं, स्मार्ट पीए भी बना सकते हैं। क्लास थी भाई हमारी, और किनके साथ क्लास थी सर? आज हमारी क्लास काय की थी सर? आज अपनी क्लास ये ऑडियो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन की क्लास थी हमारी, रिंगर ऑडियो थी प्लस रिसीवर आईसी रिंगर रिंगर थी। 14 बाल स्मार्ट पीए, 14 बाल 16 बाल 9 बाल स्मार्ट पीए, ऑल टाइप सब चीजें आपकी क्लियर है? यस सर। किस लेवल से सर ने पढ़ाया आपको? जीरो से सर। जीरो से ऑडियो आप जीरो से पढ़ाया ना आपको? यस सर। शुरुआत की आपकी जीरो से पूरी की पूरी? यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको करके अभी? मजा आ रहा है सर, एकदम मजा आ रहा है आपको? बहुत। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट। सर आज हमारी क्लास देव सर के साथ थी, उसमें हमारे को रिंगर और स्पीकर का बारे में सब बताया सर, और पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था इस बारे में, लेकिन आज काफ़ी नॉलेज हो गया है इसके लिए। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल भी हुआ है 6 बजे के बाद से, बराबर 11 बजे तक। अच्छा, तो किसी प्रकार का कोई डाउट आपको? नो सर। आपने आईसी उठा के पैड लाइन बनाई उसकी? यस सर, बनाई। क्लियर है सारी चीजें? स्मार्ट पीए की बात करें, नॉर्मल आईसी की बात करें, 9 बाल 14 बाल 16 बाल की बात करें, सारी चीजें क्लियर है आपकी? यस सर। स्मार्ट बाल की स्मार्ट पीए की बात करें तो कोई दिक्कत आपको? नो सर। स्मार्ट पीए को करने में कोई दिक्कत समस्या? कोई प्रॉब्लम। एक एक वोल्टेज मालूम है आपको? यस सर। हाँ, देव सर के साथ बहुत नॉलेज उससे हम लोग मिला उसमें। हाँ जी। और 6 बजे तक चला क्लास, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आए। जी। जो प्रैक्टिकल क्लास अभी 11:30 हो रहा, अभी तक चल ही रहा था, समापन की ओर है। तो ओवरऑल सवेरे का निचोड़ मैं शाम को पूछ रहा हूँ आपसे, सवेरे से क्लास थी, सवेरे से कोई रिव्यू नहीं लिया आपसे, अभी रात में पूछ रहा हूँ रिव्यू, तो रिव्यू के बारे में क्या बोलोगे, मतलब क्या रिजल्ट निकला अभी रात तक? ऑडियो सेक्शन के बारे में सर हम लोग बहुत डीप नॉलेज में गए कि कहाँ कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, कहाँ कितना कौन सा वोल्टेज कहाँ से आता है, मैंने हर तरह का जितना भी डीप नॉलेज होता वो हम लोग को मिला, मतलब मैंने जितना भी जो शुरू में हम लोग को नॉलेज था जीरो, वो भी बहुत अच्छा नॉलेज मिला। चलिए ठीक है, तो आपने आईसी उठा के पैड लाइन बनाई आप? हाँ सर बनाई। चलिए ठीक है, अपना आज सेक्शन था ऑडियो आईसी का। जी। तो ऑडियो आईसी में अपन थ्योरी पढ़े, 6-6.5 घंटे क्लास थी। तो उसके अंदर खाली क्या थ्योरी हुई कि प्रैक्टिकल भी हुआ? उसके बाद 6 घंटा 6.5 घंटे क्लास में थ्योरी हुई कि प्रैक्टिकल हुआ? थ्योरी सर, प्रैक्टिकल हुआ। सर प्रैक्टिकल भी हुआ, प्रैक्टिकल भी हुआ, हम लोग खुद किया। आपने आपके सामने लाइव डायग्नोज करे सर ने ऑडियो के सेट? हाँ किए। लाइव डायग्नोज करे?
तो कोई से ऐसा फॉर्मेट छोड़ा है क्या? सेट भी बनाया आपका, कोई ऐसा कोई फॉर्मेट छोड़ा है क्या? कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं, छूटने लगा कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तो आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या क्या आईसी उठा के पैड लाइन बनाई आपने? बनाई, कहां कितना वोल्ट आता है, 500 कैपेसिटर में कितना वोल्ट है, कहां क्या है, मतलब हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग सब किया अपन। आज मुझे ऑडियो सेक्शन में क्लास थी, जिसमें ऑडियो सेक्शन के मतलब हर हर मतलब हर ट्रैक सबसे की बात करूं मैं, देव सर के साथ आपकी क्लास थी तो किस लेवल से पढ़ाया उन्होंने? बहुत अच्छा से, मतलब डीपी लेवल से पढ़ाया आपको? डीप लेवल से, मतलब हर एक एक ट्रैक एक एक आईसी मतलब कैसे आईसी ट्रेस करते, मतलब हर डिटेल्स दिया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में आके क्या किया आपने? उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में आके हम सब एकदम ट्रेसिंग करके मतलब आईसी का पेडलाइन बनाया आपने, डायग्राम बनाया, एकदम अच्छा तरह का। बात करूँ नॉर्मल आईसी की, बात करूँ 9 वाल की, 14 वाल की, 16 वाल की और स्मार्ट पीए की, तो सारी चीजें है आपके पास? यस सर, एकदम सारी चीजें का नॉलेज पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया गया है। क्या लेवल से पढ़ाया सर? जीरो लेवल से और बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाया, एंड तक। एंड के ऊपर कुछ है? इसके ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने सर ने खाली क्या थ्योरी पढ़ाई कि आप तो डायरेक्ट आपके सेट भी बनाए, लाइव प्रैक्टिकल भी करा उन्होंने? थ्योरी भी पढ़ाई, प्रैक्टिकल भी करा, हमें बिल्कुल सेट खोल खोल के भी बताए, सारी चीज़ें बताई एंडलेस तक। अच्छा, वो प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? पूरा डायग्राम बनाया जी, पूरा डायग्राम बना के हमने रिंगर आईसी निकाली लगाई। अच्छा, पेड लाइन बनाई आपने? पेड लाइन बनाई, पूरा डायग्राम बनाया। और बात करें, ये तो नॉर्मल आईसी होगी, 9, 14 और 16 की नॉर्मल आईसी कोई नहीं, कोई और अगर उसकी बात करें अपन, अगर स्मार्ट पीए की तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लाइव रेस करी आपने? बिल्कुल। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाली